दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब कैसा। बादल हो गए हैं एकदम से काले वाले। ये देखो वो रहा है, बिरयानी ख़त्म हो गई है, ले ली है और अब मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ग़ुलाम अली और आप देख रहे हैं ग़ुलाम अली यूट्यूब चैनल। तो आज मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि आज मैं जा रहा हूँ, अभी मैं सो के उठा था तो सोचा यार क्या खाऊँ, तो कुछ बनाने को दिल नहीं किया, इसलिए फिर मैंने कुछ भी बनाने को दिल नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा चलो आज बिरयानी लेके आता हूँ तो रेस्टोरेंट से। और अभी मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट की जानब, तो देखते हैं तकरीबन थोड़ी मिनट में हम वहाँ पर पहुँच जाएँगे रेस्टोरेंट पे, बिरयानी लेके आएंगे वहाँ से। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हो कैसा मौसम है और ये कैसी दुकान है, आप सब देख सकते हैं। तो आप देख लो, तो ये पीछे एक गाड़ी आ रही है बड़ी, तो जी बहुत प्यारा मौसम है इधर का, बादल हुए हुए हैं और बारिश भी आने वाली है, तो हो सके मैं जितना जल्दी हो सके वहाँ से जा के ले के आऊँगा। मालूम है कि मलेशिया में लॉकडाउन लगा हुआ है और कोई भी चीज़ ओपन नहीं है, आप मेरे पीछे भी देख सकते हो बहुत कम ट्रैफिक है इधर में। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं रेस्टोरेंट पे और वहाँ पहुँच कर हम वहाँ से बिरयानी लेके आएंगे और आपको दिखाएंगे कि मलेशिया में बिरयानी कैसी मिलती है। और ये एक छोटा सा यार शॉपर होता है, उस पर बिरयानी रख के दे देते हैं। रेस्टोरेंट पे जा रहा हूँ मैं, तो ये पीछे देखो बादल भी है और मौसम भी आसमान भी पूरा है, अच्छा लग रहा है। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ रेस्टोरेंट पे, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे रेस्टोरेंट है। तो अभी हम यहाँ से बिरयानी लेंगे, बिरयानी लेने के बाद फिर घर को जाऊँगा, देख सकते हैं आप। दोस्तों ये देखो मुख्तलिफ किस्म के खाने इधर में पड़े हुए हैं, तो हम आज लेंगे बिरयानी, इनमें से कुछ नहीं है, ये सब्जी है आलू और गोभी और ये मुर्गी है, ये मछली है, ये अंडे हैं, ये गोश्त है चिलिजी वाला और ये भी मछली है, ये मुर्गी है और ये देखो कितने किस्म के खाने इधर में रखे हुए हैं इन लोगों ने। ओ बिरयानी उधर में है, बिरयानी 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 ख़त्म हो गया, ये थोड़ा सा जितना दिया कर दो ना, क्या करो। तो देखो वो रहा है बिरयानी ख़त्म हो गई है, तो मैंने बोला भाई आप थोड़ा सा जितना दिया उतना ही कर दो। बोलता है हमारे मालिक का एक और भी दुकान है उधर में जाओ और वहाँ से ले लो, मैंने बोला जितना है इतना ही कर दो बस, थोड़ा सही और डाल देना भैया। पीस एक डाल देना, करी करी रहने दो, करी रहने दो, पीस एक डाल दो बस, हाँ ठीक है, नहीं ऐसे ही डाल दो। ये देखो कैसे शॉपर मैंने लपेट दिया और अखबार में ऐसे कर दे गए। फ्रिज में तो आज हम लेंगे जी
चल रहा है 100+। तो मुरब्बा भैया एम्बुलेंस देंगा, वो बोल रहा है एम्बुलेंस देंगा, नहीं के 9:30 रुपये हो गए हैं। ये लो भैया, तो ये भैया 9:30 रुपये वो बोलते हैं हो गए हैं। ठीक है जी, हमने आपको विज़िट करवा दिया रेस्टोरेंट का, और अभी हम वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ। ठीक है, डेली है और अब मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। तो ये मेरे हाथ में है सामान, देख सकते हैं, मैं अब घर की तरफ जा रहा हूँ। तो देखा आपने कैसे ये लोग शॉपर में डाल के और एक अखबार में लपेट के दे देते हैं। ये देखो अभी गाड़ी आ गई मेरे पीछे, गाड़ी गुजर रही है, मैं रुक गया, मैंने सोचा गाड़ी को गुजरने दूं पहले। लॉकडाउन की वजह से अभी बहुत कम ट्रैफिक है इधर में, आप देख सकते हैं कि छोटे से फैक्ट्री के एरिया में रहता हूँ। तो आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि मौसम कितना प्यारा हो गया है, मौसम इधर में बहुत प्यारा हो गया। अभी तो गाड़ियाँ गुजर रही हैं, आप देख सकते हैं गाड़ी कैसे गुजरगी जल्दी से, हम तो भाई आराम से जा रहे हैं। कैसा बादल हो गए हैं एकदम से काले वाले, बारिश भी आएगी, दबा के आएगी बारिश। तो फाइनली आप देख सकते हैं कैसे बादल हो गए हैं इधर में, और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है इधर में, बादल भी आ गए हैं, धूप भी है, बारिश आ जाएगी थोड़ी देर में। ये तो अभी आप एक बार सोच रहे होगे कि भाई यार आपने मास्क तो उतारा नहीं पूरी वीडियो में, तो भाई यार इधर में ना लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है। तो मेन रोड पे जब भी आप जाते हो तो मास्क ज़रूर पहने, छोटी मोटी गलियों में तो मुश्किल नहीं है, आप नहीं भी पहनोगे मुश्किल नहीं है। तो अभी मैं अपना मुंह भी दिखाता हूँ आपको दोस्तों। ये देखो कितना प्यारा मौसम है मेरे पीछे, देखो बहुत ही प्यारा मौसम है, और मैं फाइनली लेके आ चुका हूँ, और अपना अब मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, घर पहुँचने ही वाला हूँ। तो ये देखो पीछे कितना, वो देखो कितना बादल हुए हैं, और बारिश भी आ जाएगी मेरे ख्याल से तो लाजमी आएगी, फिर तो पता नहीं है। लेकिन ये देखो इस तरफ भी बादल बहुत ज़्यादा गहरे हैं, एकदम काले वाले बादल है जिसको बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी मैं घर पहुंचने ही वाला हूँ। तो भाई कमेंट्स में करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और शॉपर के ऊपर ही उसने लगा दिया सब कुछ। तो भाई मैं हाथ धो के आया हूँ पहले, बिस्मिल्लाह। ऐसे खाते हैं ये बिरयानी।
खाते हैं लोग, इस्तेमाल बहुत कम करते हैं।